स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक टुडे। लेकिन इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड्स जो टू इलेक्ट्रिक करंट में, ऑलवेज रिमेम्बर जो आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था वो आपको अगले लेक्चर में लगता ही है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले लेक्चर में देखा था व्हाट इज लॉरेंट्स फोर्स, एंड वी हैव सीन स्पेसिफिकली व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम था सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करना और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम था एक्सेलरेट करना। उसके ऊपर बेस्ड था कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लोट्रॉन, राइट। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, आई वुड फर्स्ट वांट टू नो इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। BIL sin θ या फिर IL bar cross B bar। तो अगर वो पता होगा तो आज का टॉपिक समझ में आएगा। तो टुडे वी विल स्टार्ट विथ डिराइविंग एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। तो अगला टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक इज करंट टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ करंट लूप, ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमको दो केसेस देखने हैं, बोथ केसेस आर मोर और लेस सेम। तो पहला केस है मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द लूप, या फिर लूप इज इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक ही बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे शायद मैग्नेटिक प्रिंट हुआ है, फील्ड प्रिंट नहीं हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ लूप। अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं, तो काम करेंगे। लेट अस टेक अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप विच इज प्लेस इनसाइड अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और आपको मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप जनरेट कैसे करते हो। तो आई होप यू रिमेम्बर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में दो पोल पीसेस होते हैं और दोनों में वाइंडिंग होता है, एक में आप क्लॉकवाइज करंट पास करते हो, एक में आप एंटी क्लॉकवाइज करंट पास करते हो। जिसमें आप क्लॉकवाइज करंट पास करते हो वो होता है साउथ पोल, जिसमें आप एंटी क्लॉकवाइज पास करते हो होता है नॉर्थ पोल। तो वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इमेजिन दिस इज नॉर्थ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इमेजिन दिस इज साउथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें हमारे पास एक, ऑफ कोर्स क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ तुमने बोल दिया, तो इट इज वेरी क्लियर दैट द मैग्नेटिक फील्ड गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज बेसिकली गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ टू साउथ, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हर जगह पे सेम हो गया, डायरेक्शन भी सेम हो, तो इसको तुम बोलते हो यूनिफॉर्म। तो यू मस्ट रिमेम्बर व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है कि फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन हर पॉइंट पे होनी चाहिए सेम, और उसको डिनोट करते हो तुम सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स से। तो इफ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट, देन यू डिनोट सच अ फील्ड विद पैरेलल वेक्टर, तो उसको बोलते हो यूनिफॉर्म फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, वी हैव अ करंट कैरिंग लूप, इसको कुछ नाम दे देंगे हम लोग, विल कॉल दिस एज समथिंग ABCD, कुछ तो नाम दे देंगे। तो वी हैव अ करंट कैरिंग लूप हियर, ओके। तो लेट्स से यहां से करंट गया, ये ए है, बी है, दिस इज सी, दिस इज डी। मान लेते हैं बी और सी का डिस्टेंस ए है, मतलब लेंथ बी सी इज ए एंड लेंथ ए बी, ए टू बी, ये जो लेंथ है इसको मैं नाम दे देता हूँ बी। तो ये लेंथ बी है, स्मॉल बी। अगर ए बी लेंथ बी है तो सी डी लेंथ बी बी है, बी सी ए है तो ए डी बी ए है। तो करंट जाएगा ऐसा। तो जो पहला केस है, दोनों केसेस में याद रखो, दोनों केसेस में यू हैव अ लूप, करंट कैरिंग लूप, करंट लूप, रेक्टेंगुलर लूप इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका प्लेन और जो लूप है उसका प्लेन है सेम।
दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि तुमको ये समझ में आना चाहिए, ज्योमेट्री समझ आना चाहिए। बहुत सिंपल ज्योमेट्री है। सपोज दिस इज दैट कॉइल, और अगर ये कॉइल एक्स वाई प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स वाई प्लेन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली पैरेलल टू दिस प्लेन ऑफ लूप, इसलिए पहला केस में हमने क्लियरली मेंशन किया वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड और लूप दोनों सेम प्लेन में है। हमको फाइंड करना है टॉर्क। अभी टॉर्क फाइंड करने के लिए दो मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन टॉर्क फाइंड करने से पहले तुमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग यू शुड नो। सो यू नो दैट, ऑफकोर्स यू नो दैट, व्हाट डू यू नो इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज बी आई एल साइन थीटा। एंड आई स्किप राइटिंग डाउन थ्योरी पार्ट क्योंकि बहुत इजी है और वो सब नोट्स में दिया है आपको। सिर्फ साइक्लोट्रॉन के लिए इंपॉर्टेंट था, दैट इज व्हाई वी वेंट टू इट। अब एक काम करते हैं, ये चार साइड है ना, चारों साइड पे फोर्स कितने वो देख लेते हैं। तो फॉर साइड ए बी, फॉर साइड ए बी फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी विल बी इक्वल टू बी। करंट तो सब में सेम है क्योंकि एक ही करंट गया वही घूम के आया। मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है क्योंकि पूरा का पूरा लूप सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो बी और आई के अंदर तो सेम है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ए बी? स्मॉल बी, स्मॉल बी राइट, ओके साइन 90। क्योंकि इफ यू नोटिस करंट जा रहा है ऊपर, मतलब लेंथ एलिमेंट डायरेक्शन ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड टू द राइट है, तो कितना एंगल बना? 90, 90 और साइन 90 1। तो फोर्स ऑन ए बी इज बी आई बी। सिमिलरली फॉर साइड बी सी, फॉर साइड बी सी तो फोर्स एक्टिंग ऑन साइड बी सी इज जीरो। क्यों? क्योंकि व्हाट इज फोर्स बी आई एल, व्हाट इज लेंथ ए, बट एंगल इज जीरो। जो डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो डायरेक्शन में फील्ड है, या फिर जो डायरेक्शन में लेंथ है वो डायरेक्शन में फील्ड है। एंगल इज जीरो, तो साइन जीरो इज जीरो, तो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन साइड बी सी। तो फोर्स ऑन साइड सी डी, तो फोर्स साइड सी डी, फोर्स एक्टिंग ऑन साइड सी डी इज अगेन बी आई बी, क्योंकि लेंथ इसका भी कितना है? बी, पैरेलल साइड से नहीं दोनों। तो बी साइन ऑफ 270। अब 270 क्यों? क्योंकि तुमने अगर अपवर्ड करंट और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 माना है, तो डाउनवर्ड करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? एंगल क्या होगा? 270। इफ 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 अपवर्ड करंट मेक्स एंगल ऑफ 90 विद मैग्नेटिक फील्ड, देन डाउनवर्ड करंट मेक्स 270। तो ये 270 मान लोगे, तो ये 270 हो गया। व्हाट इज साइन 270? माइनस 1। तो बेसिकली आइडिया ये है कि ये जो साइड था ए बी, अगर इस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो साइड सी डी पे इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, यू नीड टू इमेजिन ये साइड था लेट अस से ए बी, बी सी सी डी और जो भी नाम दिया होगा ए, हाँ चलो ए ए बी बी सी सी डी और डी ए। ए बी पे फोर्स है कमिंग आउट, तो इस पे है गोइंग इन। अदरवाइज उल्टा, अगर एक साइड पे फोर्स इज कमिंग आउट और दूसरे साइड पे इन, तो यू हैव टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस। ऊपर के और नीचे के साइड पे फोर्स कितना है? जीरो है। तो यू हैव टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस, व्हेन एवर यू हैव टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस क्या एक्ट होता है? टॉर्क। तो अभी फिलहाल हम साइड डी ए का भी फोर्स निकाल लेते हैं। तो फॉर साइड डी ए, फोर साइड डी ए फोर्स इज जीरो। क्यों? क्योंकि वापस से वही बी आई ए साइन ऑफ 180। क्योंकि अगर आप देखोगे करंट सामने से आएगा यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट, तो एंगल कितना है? 180। साइन ऑफ 180 इज जीरो। तो ओवरऑल दो साइड पे फोर्स जीरो है और दो साइड पे फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का है बट अपोजिट डायरेक्शन का है। तो देयरफोर तो फोर्सेस ऑन साइड ए बी एंड सी डी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
are equal in magnitude but opposite in direction. But opposite in direction. And hence a torque acts on it. A torque acts on it. और वही फाइन करना है, टॉपिक का टाइटल वही है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब टॉर्क फाइन करने के भी दो मेथड है, एक होता है देखो टॉर्क हमने दो तरीके से डिफाइन किया था अगर याद होगा तो, एक था मोमेंट ऑफ फोर्स, एक था मोमेंट ऑफ कपल। मैं दोनों वापस रिपीट कर देता हूँ बिफोर वी गो अहेड। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब फॉर एग्जाम्पल केस ऑफ डोर, दरवाजा आप जब ओपन या क्लोज करते हो तो वेन यू ओपन और क्लोज द डोर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज फिक्स एट वन एंड, तो तुमने इसको एक जगह पे फिक्स करके रखा है जिसको तुम बोलते हो हिंजेस, बिजागरे कहां पे भी दिख रहे होंगे सॉरी इस केस में तुम एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हो जिसको बोलते हो पॉइंट ऑफ एक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया, जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स अप्लाई किया उसको बोलते हो लाइन ऑफ एक्शन। तो सपोज मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो ये बन गया लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो जहां पे हिंजेस है ना वो होता है एक्सिस रोटेशन। तो लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है मिनिमम उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं उसको? मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म को डिनोट करते हो तुम आर से और फोर्स को बोलते हो एफ और टॉर्क डिफाइन कर देते हो आर बार क्रॉस एफ आर, मतलब आर एफ साइन थीटा अगर आपको मैग्नीट्यूड की बात करनी होगी तो। क्लियर? यहाँ पे एक सिंगल फोर्स ने रोटेशन प्रोड्यूस कर दिया इसलिए इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट। लेकिन डिपेंड करता है स्ट्रक्चर क्या है उसके ऊपर। अगर मेरे पास एक रॉड जैसा कुछ बॉडी है तो इस पे मैं सिंगल फोर्स लगाऊंगा तो रोटेशन नहीं प्रोड्यूस होगा, सिंगल फोर्स लगाओगे तो लीनियर मोशन जाएगा। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फिर दो फोर्स अप्लाई कर देते हैं। We apply two forces of equal magnitude but opposite direction at two different points. You cannot apply at the same points because if you apply at the same point, these two forces will cancel out each other and net force will be zero. The body will go into equilibrium. So हम यहाँ पे दो force apply करते हैं two different points पे and the body starts rotating. तो यहाँ पे rotation को produce करने के लिए दो forces responsible है, तो उसको बोलते हैं तो moment of couple. Moment of मतलब rotation. मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब एक फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, मोमेंट ऑफ कपल मतलब दो फोर्सेस मिलकर रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है डेफिनेशन में, यहाँ पे जो तुम मोमेंट ऑफ फोर्स में जो तुम आर लिखते हो ना वो मोमेंट आर्म होता है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन। और यहाँ पे जो तुम आर लिखते हो दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो अगर आपको टॉर्क फाइंड करना है एक करंट कैरिंग लूप पे तो तुम दोनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो। मैंने नोट में एक ही अप्रोच दिया है, मैं दोनों बता दूंगा अभी, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज कि कोई भी एक देखो। अभी चलो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला अप्रोच यूज करते हैं। अगर ये करंट कैरिंग लूप रोटेट होगा तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे आएगा? सेंटर। तो इट विल पास थ्रू बेसिकली सेंटर, मतलब बेसिकली दिस इज दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइड ए बी पे अलग से टॉर्क निकाल लेंगे और साइड सी डी पे अलग से टॉर्क निकाल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे ऐड। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन साइड ए बी इज व्हाट इज टॉर्क आर इन टू एड है ना, आर एफ साइन थीटा, थीटा तो 90 है यहाँ पे, 90 है ना, बराबर ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे फोर्स इनटू डिस्टेंस, किस पे टॉर्क फाइंड कर रहे हो तुम? ए बी साइड पे। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बी साइड इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी साइड इनटू मोमेंट आर। मोमेंट आर इज द डिस्टेंस ऑफ द साइड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कितना डिस्टेंस है? ए बाई टू, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है ए, तो एक साइड का कितना हो गया ए बाई टू। तो क्या लिखोगे यहाँ पे ए बाई टू? व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स ऑन ए बी? बी आई बी, बी आई बी था ना,
बी आई बी और आर है ए बाई टू। सिमिलरली सिमिलरली टॉर्क एक्टिंग ऑन साइड सी डी, टॉर्क एक्टिंग ऑन सी डी इज, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन सी डी इज इक्वल टू फोर्स ऑन सी डी इनटू मोमेंट आर्म। फोर्स ऑन सी डी अगेन बी आई बी। हाँ माइनस साइन में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्शन माइनस तो आएगा ही क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखा क्या? नहीं, तो मैं माइनस लिखने वाला ए बाई टू। सो देयरफॉर टोटल टॉर्क, और जो दो बचे हुए साइड है बी सी और डी ए उसमें तो फोर्स जीरो है, तो उसमें तो कोई टॉर्क एक्ट नहीं होगा। तो टोटल टॉर्क ऑन लूप ए बी सी डी इज, दोनों को ऐड कर लो, टोटल टॉर्क इज टॉर्क ऑन साइड ए बी प्लस टॉर्क ऑन साइड सी डी। बी सी और डी ए पे कोई टॉर्क नहीं है क्योंकि फोर्स नहीं है। ये कितना था? बी आई बी ए बाई टू प्लस बी ए बाई टू, दोनों को ऐड कर लोगे बी आई बी ए। लेकिन ये जो बी ए है एरिया ऑफ द लूप, क्योंकि वो रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड, तो ये जो लूप है उसका एरिया है बी इंटू ए। सो बी आई ए दिस इज द टॉर्क, करेक्ट, वेयर एरिया इज, वेयर एरिया इज बी इंटू ए। ओके देन ये हमने सिंगल टर्न के लिए किया, लेकिन जब तुम करंट टाइम लूप की बात करते हो, नॉर्मली करंट टाइम लूप मतलब वाइंडिंग्स होते हैं, तुमने देखो कभी फैन अगर खोलोगे तो उसके ऊपर वाइंडिंग देखोगे यार, तो वाइंडिंग्स में ना एक टर्न नहीं होता, देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स। तो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो यू विल हैव टोटल टॉर्क एज इफ द लूप हैज एन टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स, देन यू कैन राइट डाउन टोटल टॉर्क इज एन बी आई ए। हो गया डन, तो ये आ गया एन बी आई ए। देन और याद रखने के लिए अपने में ट्रिक्स होते हैं, हाउ टू रिमेम्बर दिस सिंपल। एनबीए पता है एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, हाँ इंडिया का तो नहीं है लेकिन मान लेना ऑफ इंडिया, तो एनीवेज तो यूएस में फेमस है वो एनबीए, ठीक है याद रखने के लिए याद रखो। ये था अप्रोच वन, मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, आई वुड हैव सेड वी नो दैट। तो ये अल्टरनेट मेथड है, दिस इज अल्टरनेट वे ऑफ फाइंडिंग ऑफ टॉर्क। मैंने अभी बताया जब अगर आपके पास दो फोर्सेस हो, दो अलग अलग पॉइंट पे एक्ट हो रहे हो, तो कपल है मतलब, तो टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ कपल वो कैसे डिफाइन करते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो मोमेंट ऑफ कपल मतलब टॉर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, तो दो फोर्सेस में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो दो फोर्सेस कौन से थे? एक तो ए बी पे था और एक सी डी पे था, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था? बी आई बी, और दोनों में डिस्टेंस कितना था? ए। नोटिस ये दो फोर्सेस का डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन एफ वन एंड एफ टू, दिस टू फोर्सेस नथिंग बट ए। तो डायरेक्टली आ गया यहां से, तो दिस इज व्हाट बी आई ए वेयर बी इन टू एज एरिया है। फिर वापस वही टोटल टॉर्क, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे लूप में तो क्या लिखोगे? एन बी आई ए, तो डायरेक्टली भी आता है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, सिंपल। ओके अब ये तो पहला केस था बहुत सिंपल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और लूप का प्लेन मतलब बेसिकली लूप वी आर इन द सेम प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ लूप, तो टू सिंपल। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इन द प्लेन ऑफ लूप, या फिर लूप इज नॉट इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो भी क्या पता नहीं मुझे क्या लिखा है नोट, क्या लिखा है? प्लेन ऑफ लूप इज नॉट अलोंग, तो प्लेन ऑफ लूप इज नॉट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड।
इज नॉट अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वही है, मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन और लूप का प्लेन सेम नहीं है, तो इस केस में फिर क्या चेंज होगा? थोड़ा सा ही चेंज है, वेरी स्मॉल चेंज। तो वेल फिर वही, यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक साइड होगा नॉर्थ पोल, एक साइड होगा साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है, नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है, एज अ सेम। गुड, तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बट लूप है, लूप वो इस प्लेन में नहीं है, आपको पता, तो यू हैव टू इमेजिन, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस से इन एक्स वाई प्लेन, पहले सिचुएशन क्या था? ऐसा ऐसा था ना, ऐसा। अब सिचुएशन क्या है पता है? अब ऐसा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन और लूप का प्लेन सेम नहीं है। पहले अगर आप देखोगे, पहले केस में, इन द फर्स्ट केस, मैग्नेटिक फील्ड और लूप सेम प्लेन में होने का मतलब क्या था? कि मैं अगर लूप पे नॉर्मल ड्रॉ करूं, नॉर्मल नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड में और उसमें क्या एंगल बनता? 90 डिग्री, थोड़े sin 90, इसलिए लिखा नहीं हमने वहां पे। इसलिए अगर तुम देखोगे कहीं किसी भी इक्वेशन में तुमने sin 90 लिखा नहीं, क्योंकि वन होता है। लेकिन जब जब मैग्नेटिक फील्ड और लूप सेम प्लेन में नहीं हो, तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द लूप, इट इज नॉट 90, इट इज सम एंगल थीटा। हो रहा है ना, इमेजिन कर रहे हो ना अच्छे से? कुछ नहीं है, इसको नॉर्मल ड्रॉ कर दिया अभी, ठीक है। वी ऑलवेज हैव सम प्रेस्टिज पेपर्स दैट मे हेल्प। पहले था ये केस, नॉर्मल ड्रॉ किया, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल में एंगल है 90। अब केस है थोड़ा सा अलग, अब ऐसा केस है। तो दिस प्लेन ऑफ द लूप इज अलाइन एट सम एंगल। मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा ना, तो आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल में एंगल 90 दिख रहा है क्या आपको? नहीं, 90 नहीं है, 90 छोड़ के कुछ भी होगा। अब 90 छोड़ के कुछ भी होगा तो क्या बोलेंगे? थीटा बोल देंगे। तो लेट अस से थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसमें एंगल है थीटा? बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लूप ड्रॉ कर देता हूँ पहले। आई विल ड्रॉ सम लूप, ड्रॉ सम लूप हियर, ये ऐसा एक लूप आ गया। और आपको अभी ज्योमेट्री में डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ का ज्योमेट्री और यहाँ का ज्योमेट्री सेम नहीं है, लिटिल डिफरेंट। तो इस केस में ऑफकोर्स करंट को इन आउट करने के लिए यहाँ पर तो आपको लगने ही वाला है, वो तो आएगा ही आएगा। और इसको अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो लेट मी ड्रॉ अ नॉर्मल टू द प्लेन। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज नॉर्मल। किसको नॉर्मल ड्रॉ किया मैं? लूप को। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे नॉर्मल में और मैग्नेटिक फील्ड में इज सम एंगल थीटा, तो थीटा। देन दिस साइड इज लेट अस से ए बी सी एंड डी। फिर करंट वैसे ही लेंगे जैसे पहला लिया था, तो करंट का डायरेक्शन भी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसा था वैसा ही है। गुड, तो इन दिस केस, इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड एंड लूप आर नॉट इन द सेम प्लेन, आर नॉट इन द सेम प्लेन, लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल, किसमें एंगल है? बिटवीन नॉर्मल टू द, किसको नॉर्मल ड्रॉ किया? लूप को, प्लेन मतलब लूप, नॉर्मल टू द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड
एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब फिर वही वेयर फोर फोर्सेस, क्योंकि ये जो चारों साइड है दे आर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो चारों पे फोर्स एक्ट होगा, तो देयर फोर फोर्सेस ऑन साइड्स आर गिवन बाय। सबसे पहले ये जो साइड ए बी था, साइड ए बी, फोर्स ऑन साइड ए बी, इन दिस केस फोर्स ऑन साइड ए बी इज सेम बी आई बी, सिर्फ साथ में क्या लगेगा, साइन थीटा, वही विल साइन थीटा। पिछले केस में मैंने लिखा नहीं था क्योंकि एंगल कितना था, 90 था, यहाँ पे एंगल 90 है क्या, नहीं, तो ये आएगा बी आई बी साइन थीटा। पिछले केस में लिखा था बी आई बी साइन 90, साइन 90 वॉज 1 बराबर। एंड एंड फोर्स ऑन साइड सी डी, मैं बी सी और डी ए की बारे में बात करूंगा, इट इज माइनस बी आई बी साइन थीटा। अभी माइनस क्यों आया, फॉर द सेम रीजन, ए बी के केस में करंट जा रहा है अपवर्ड्स और इसके केस में करंट जा रहा है डाउनवर्ड्स, तो अगर एक साइड पे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो दूसरे साइड पे इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये माइनस साइन आया ओनली बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो देर आर टू फोर्सेस एक्टिंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग एट टू डिफरेंट साइड्स। व्हाट अबाउट साइड्स बी सी एंड डी ए, तो फॉर साइड्स बी सी एंड डी ए द फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर, फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर। अब ये कैंसल क्यों है वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पे फोर्सेस जीरो नहीं है, पिछले केस में जीरो नहीं का रीजन था क्या था, रीजन साइन जीरो और साइन 180। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो फोर्स है ना, इफ आई ड्रॉ एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ड्रॉ कर लिया, तो इफ यू ड्रॉ एक्सिस ऑफ रोटेशन यू विल सी बी सी साइड पे जो फोर्स है वो डाउनवर्ड्स है और जो डी ए साइड पे फोर्स है वो अपवर्ड्स है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन एंड एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। तो व्हेन यू हैव टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, व्हाट इज रिजल्टेंट, जीरो। तो क्या करते हैं, कैंसल आउट। क्लियर, पक्का पक्का, कौन से दो फोर्सेस कैंसिल हो गए, फोर्स ऑन बी सी एंड फोर्स ऑन डी ए, क्योंकि फोर्स ऑन बी सी देखो डायरेक्शन करंट का और डी ए में क्या है, अपोजिट है, तो फोर्सेस भी क्या है, अपोजिट है बट अलोंग द सेम लाइन है, तो दो फोर्सेस कैंसिल हो गए और दो बाकी है तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो टॉर्क कैसे फाइंड करते हो, सेम प्रोसेस, तो हम लोग क्या करेंगे, वैसा ही सेम दोनों मेथड चलेगा, तो पहले फाइंड कर लेते हैं टॉर्क ऑन ए बी, व्हाट इज टॉर्क ऑन ए बी, फोर्स ऑन ए बी इनटू मोमेंट आर्म, व्हाट इज फोर्स ऑन ए बी, बी आई बी साइन थीटा, व्हाट इज मोमेंट आर्म, ए बाई टू, मोमेंट आर्म वापस से वही डिस्टेंस ऑन एक्सेलरेशन ए बाई टू, तो ये आ गया टॉर्क ऑन ए बी। सिमिलरली व्हाट इज टॉर्क ऑन सी डी, बी आई बी साइन थीटा इंटू मोमेंट आर्म मतलब ए बाई टू, तो देयर फोर टोटल टॉर्क इज टॉर्क ऑन ए बी प्लस टॉर्क ऑन सी डी, ये हो जाएगा बी आई बी साइन थीटा ए बाई टू प्लस बी आई बी साइन थीटा इंटू ए बाई टू, तो टू टाइम्स, तो इट विल बी टू टाइम्स ऑफ बी आई बी ए बाई टू साइन थीटा, टू टू हो गया कैंसल, तो टॉर्क इक्वल टू बी आई बी ए साइन थीटा, तो देयरफॉर टॉर्क इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो एन बी आई ए साइन थीटा, दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप व्हेन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इन द प्लेन ऑफ लूप बट नॉर्मल ड्रॉन टू द लूप में इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। अदर क्लियर, गुड गुड, हो गया। अब ये सब क्यों चाहिए, डू यू रिमेम्बर इससे पहले का चैप्टर, सिक्वेंशियली इससे पहले का चैप्टर कौन सा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सबसे आखिरी में जो दो टॉपिक हमने देखे थे, एमीटर एंड वोल्टमीटर,
एमीटर और वोल्ट मीटर बेसिकली क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है। और मैं तभी आपको बताया था कि पुराने सिलेबस में वो सब एक ही चैप्टर में था। पहले गैल्वेनोमीटर था डिटेल में, फिर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल शंट, और फिर वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बाय कनेक्टिंग अ लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो आइडियली स्पीकिंग पहले आपको गैल्वेनोमीटर का वर्किंग पता होना चाहिए, फिर एमीटर पे, फिर वोल्ट मीटर में। लेकिन अपन का न्यू सिलेबस वो जो था वो टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का अब दूसरे चैप्टर में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड करंट में। क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप है जो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, उस पर टॉर्क एड करता है, उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग। तो हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सिर्फ रफ इंट्रोडक्शन देखा था पिछले चैप्टर में कि वो होता क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन हमने डिटेल वर्किंग नहीं देखा था। हमने देखा था, मैंने बताया था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हॉट शू मैग्नेट होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके सेंटर में एक एल्यूमिनियम का मैग्नेटिक फ्रेम होता है, उसके ऊपर वाइंडिंग होता है किसका, इंसुलेटेड कॉपर वायर का। तो नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल व्हाट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब देखो प्रॉब्लम और एक है, ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ना, अगेन सॉरी, बुक टू बुक इसका नाम भी अलग अलग दिखते हैं। कोई बोलेगा गैल्वेनोमीटर, कोई बोलेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कोई बोलेगा परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, तो इफ यू रीड सम बुक यू विल फाइंड दिस नेम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी, दैट इज नॉट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, दिस इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना? क्योंकि एससीजी और एमसीजी सुना तो दो ही चीज आ जाती है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो दिस इज नॉट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, या फिर इसको इसी को नाम है और अल्टरनेट नेम परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, विच इज कॉल्ड एज पी, परमानेंट मैग्नेटिक एम मूविंग एम सी गैल्वेनोमीटर, पी एम एम सी गैल्वेनोमीटर। तो कहां पे तुम पी एम एम सी जी देखोगे तो वही है परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गुड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल डिवाइस। तो अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। एंड अगेन आई विल नॉट राइट डाउन मच, जितना रिक्वायर्ड है उतना, बाकी बहुत सिंपल लैंग्वेज में थ्योरी है, सिर्फ जहाँ थ्योरी थोड़ा डिफिकल्ट होता है उधर मुझे मजबूरी है लिख के देना पड़ता है, अदरवाइज आई जस्ट स्किप द पार्ट ऑफ राइटिंग डाउन थिंग्स। तो हमेशा याद रखना, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि फिजिक्स में कोई भी थ्योरी टॉपिक है, ऑल द वे स्टार्ट विद डायग्राम। वंस यू हैव डायग्राम यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस वेरी इजीली। तो इसमें होता क्या है पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ थिन लाइट रेक्टेंगुलर कॉइल मेडअप ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड ऑन अ मैग्नेटिक फ्रेम ऑफ एल्यूमिनियम। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ लाइट रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड मतलब उसके ऊपर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का कोटिंग होता है, जैसे ये वायर्स के ऊपर ब्लैक कोटिंग है ना, ये इंसुलेटेड है। क्योंकि अगर इंसुलेट नहीं करूंगा और मैं वाइंडिंग करूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स दूंगा, तो दो वायर एक दूसरे को टच कर जाएंगे, उससे शॉर्ट हो जाएगा सब। सॉरी, सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट होना। शॉर्ट शॉर्ट होता है मतलब दो वायर दे कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, इसके लिए इंसुलेशन करना पड़ता है हमको। तो अभी इसमें एग्जैक्टली है क्या, बेसिकली इसमें एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जो मैग्नेटिक मटेरियल का है, एल्यूमिनियम का है, इट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज एल्यूमिनियम,
एंड इसके ऊपर हमने करके रखा है वाइंडिंग। अब इसमें एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, मैं फिलहाल एक ही टर्न दिखाऊंगा बिकॉज इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्रॉ। तो देयर आर बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस, तो इसमें बहुत नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। देन गुड, तो ये जो मैंने रेड में वायर दिखाया था, मैं दिस कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, और बीच का जो फ्रेम है ये एल्यूमिनियम का है, मैग्नेटिक फ्रेम है। वाई मैग्नेटिक? क्योंकि हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने वाले हैं। लिखा है वहां पे, दिस कॉइल इज प्लेस्ड इन एन, लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको याद होगा जो आपने मुझे बताया अभी, मैग्नेटिक फील्ड के हम लोग क्या लगाते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट, याद है क्या? याद है? तो हॉर्स शू मैग्नेट क्या करता है, वो रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करता है। अभी सबसे पहले तो मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड रेडियल फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? अगर एक रीजन में मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेक कर रहा हूँ, तो मुझे वैल्यू हर जगह पे सेम मिल रहा है और डायरेक्शन भी सेम मिल रहा है। तो यू डिनोट दिस बाय अ सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, ओके, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में तीन चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग-अलग है, मतलब आपके पास वेक्टर्स के लेंथ सेम होंगी, सिर्फ डायरेक्शन होगा अलग-अलग। फॉर एग्जांपल, समथिंग लाइक दिस, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। या हो सकता है कि डायरेक्शन सेम है, हो सकता है दोनों ही अलग है। इन केस ऑफ रेडियल फील्ड, रेडियल फील्ड में या तो फील्ड एक पॉइंट से डाइवर्जिंग होता है या तो एक पॉइंट पे कॉन्वर्जिंग होता है। तो आइडियली स्पीकिंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम लोग लेते हैं रेडियल फील्ड्स, लेकिन वो डायग्राम थोड़ा बनता है कॉम्प्लिकेटेड, तो आई विल अवॉइड डूइंग दैट। वहां पे आप हॉर्स शू मैग्नेट लेते हो, और हॉर्स शू मैग्नेट मैंने मैंने बताया भी था कि हॉर्स शू मैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका शेप होता है हॉर्स शू। और हॉर्स शू जिसको नहीं पता तो बता देता हूँ, बेसिकली दो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स, ऐसे दो स्ट्रक्चर होते हैं, और बीच में यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल फ्रेम है ना, हॉर्स शू मैग्नेट अगर हो तो बीच में रेक्टेंगुलर फ्रेम नहीं चलता है, तो फ्रेम हैज टू बी स्फेरिकल, राइट? तो दैट डायग्राम विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, इसके लिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ कौन सा फील्ड, यूनिफॉर्म, कौन सा फील्ड, यूनिफॉर्म। तो जस्ट टू मेक थिंग्स लिटिल सिंपल, आई विल गिव यूनिफॉर्म फील्ड नॉर्थ एंड साउथ। तो इन दिस केस यू हैव मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज फिजिक्स इज सेम तो कोई दिक्कत नहीं, राइट? और ये जो कॉइल है, कॉइल इट इज फ्रीली सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड क्यों सस्पेंड करके रखा, सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली। तो इट इज सस्पेंडेड सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली। अब ये ऐसा एयर में तो उड़ नहीं सकता, तो एयर में उड़ नहीं सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रिजिड सपोर्ट से इसको हैंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल वायर, और वो स्पेशल वायर होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज का, राइट? तो दैट इज फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। तो दिस कॉइल इज फ्रीली सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। और ये जो कॉइल का दूसरा एंड है, दूसरा एंड यहाँ पे नीचे वापस से फॉस्फर ब्रॉन्ज का एक हेलिकल स्प्रिंग, तो यू हैव अ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ द सेम मटेरियल हियर, फॉस्फर ब्रॉन्ज। अब ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का जो हेलिकल स्प्रिंग है, इसका रोल क्या है? इसका दो रोल है, पहला रोल तो अभी समझ लो, दूसरा मैं वर्किंग में बताऊंगा। तो इसके दो रोल है, इसके दो रोल में से एक रोल है इट सर्व्स एज इन एंड आउट फॉर द करंट। तो करंट या तो यहां से इन होगा, अगर यहां से इन हो रहा है तो अगर करंट ऐसा आया, यहां जाएगा फिर यहां जाएगा फिर यहां जाएगा फिर यहां जाएगा,
ऐसा नंबर ऑफ टर्न से घूमते 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 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, होगा ना, घूमेगा घूमेगा घूमेगा, टर्न खत्म होगा, ऊपर जाएगा और यहां से हो जाएगा आउट। तो अगर नीचे से इन हो रहा है हेलिकल स्प्रिंग से तो ऊपर से आउट होगा, ऊपर से इन हो रहा है तो नीचे से आउट, राइट। तो ये बेसिक बेसिक चीज है, इट कंसिस्ट ऑफ लाइट, लाइट क्या, लाइट रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ ऑफ थिन, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ लाइट रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर ग्राउंडेड ऑन ऑन मैग्नेटिक फ्रेम ऑफ एल्यूमिनियम। दिस कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन टू पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ अ फॉस्फर ब्रांच वायर। द अदर एंड ऑफ द कॉइल इज अटैच टू अ हेलिकल स्प्रिंग अगेन ऑफ फॉस्फर ब्रांच, राइट, विच सर्व एज इन एंड आउट फॉर द करंट। ये गुड। अब एज यू ऑलरेडी नो कि जैसे ही तुम करंट पास करोगे तो ए बी और सी डी साइड पे फोर्स एक्ट होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। बी सी और डी ए पे फोर्स नहीं होगा, फोर्स जीरो है। तो देर आर टू फोर्सेस, वन ऑन साइड ए बी एंड अदर ऑन साइड सी डी। तो ये इसको बाहर की तरफ और ये इसको अंदर की तरफ लेके जाएगा, तो इसका होगा रोटेशन, मतलब टॉर्क एक्ट हो रहा है। तो यू नो दैट द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस कॉइल इज गिवन बाय एन बी आई ए। इसलिए पहले हमने टॉर्क देखा, एन बी आई ए, राइट। और डायग्राम भी देखो अच्छे से, क्योंकि तो हमने क्या लिया, लूप और मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन है ना, इसलिए मैं साइन थीटा नहीं लिखा यहाँ पे, सिंपल। और एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स, आई एम शोइंग ओनली वन टर्न बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू शो नंबर ऑफ टर्न्स, बट देर आर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो एन। अब होता क्या है, बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस विच मेजर वेरी स्मॉल करंट, कितना स्मॉल, माइक्रो एम्पियर के रेंज। तो इसका काम क्या है, करंट मेजर करना, कौन से रेंज में, माइक्रो एम्पियर। अब बात यह है कि करंट मेजर करेगा कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो कॉइल है ना इसके ऊपर एक पॉइंटर लगा देते हैं, पॉइंटर, तो पॉइंटर, और इस पॉइंटर के नीचे एक स्केल होता है और उस स्केल पे होता है लाइंस डिविजन्स, राइट। तो जैसे ही करंट पास होगा और मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, तो टॉर्क एक्ट होगा, टॉर्क एक्ट होगा तो पॉइंटर क्या होगा, रोटेट, मतलब डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट। इसके लिए जो टॉर्क है ना इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्या बोलते हैं इसको, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सो द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन द कॉइल इज गिवन बाय एन बी आई ए, क्लियर, यहां तक क्लियर। कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ ध्यान दो वापस, तो ये जो हेलिकल स्प्रिंग था इसका इसका क्या रोल है, फिर यू नीड टू रिमेम्बर, अगर हमने इसमें करंट पास किया तो टॉर्क एक्ट हुआ, और टॉर्क एक्ट हुआ तो कॉइल रोटेट होगा, कॉइल रोटेट होगा तो पॉइंटर भी रोटेट होगा, और पॉइंटर रोटेट होगा मतलब पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। और व्हेन यू स्टॉप द करंट, जब तुमने करंट बंद कर दिया तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, द पॉइंटर शुड गो बैक टू जीरो। नहीं तो तुमने करंट पास किया, एक बार तुमको करंट दिखा दिया उधर ही अटक गया, चलेगा कैसा, नहीं। तो दैट पॉइंटर शुड गो बैक टू जीरो। तो रिमेम्बर जब हमने करंट पास किया था तो अगर वो जो कॉइल है, अगर वो कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो जब करंट बंद करूंगा तो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था तो जो नीचे हेलिकल स्प्रिंग था वो एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट हो रहा था। व्हेन द कॉइल वाज रोटेटिंग क्लॉकवाइज द हेलिकल स्प्रिंग वाज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज,
हेलिकल स्प्रिंग विल प्रोवाइड नेसेसरी रिस्टोरिंग टॉर्क, फोर्स नहीं टॉर्क। जैसे करंट बंद करोगे तो हेलिकल स्प्रिंग विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, मतलब नाउ इट विल स्टार्ट रोटेटिंग क्लॉक वाइज, पहले एंटी क्लॉक वाइज था फिर क्लॉक वाइज। तो कपड़े सुखे सुखाते हो कभी देखा नहीं है? जब तुम कपड़ों को ड्राई करते हो विद हैंड्स तो एक हाथ अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी जाता है, राइट? तो सेम है, अगर कॉइल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हेलिकल स्प्रिंग इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हेलिकल स्प्रिंग का काम क्या है, क्या काम है उसका? रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करने का। तो एज द कॉइल रोटेट्स द हेलिकल स्प्रिंग, द हेलिकल स्प्रिंग गेट्स ट्विस्टेड, इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हेंस हेंस इट प्रोवाइड्स। कौन कौन हेलिकल स्प्रिंग, हेंस इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। और इंटरेस्टिंगली बहुत काम का चीज है ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से पॉइंटर कितने एंगल पे गया। तो दिस रिस्टोरिंग टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, राइट? तो जब तुम प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे? कॉन्स्टेंट। कहीं पे सी लिखते हैं कहीं पे के लिखते हैं, तो ये जो के है इसको तुम बोलते हो ट्विस्ट कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हो तुम टॉर्शनल कांस्टेंट, क्या बोलते हो? तो ये जो के है दिस इज ट्विस्ट कांस्टेंट और टॉर्शनल कांस्टेंट, क्लियर? अभी अंडर इक्विलिब्रियम, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? इमेजिन, जस्ट इमेजिन, हमने जब करंट पास किया था तो मान लो इस पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में इस पॉइंटर को 45 डिग्री पे लाया, जब तुम करंट बंद करोगे तो व्हाट डू एक्सपेक्ट? जीरो, राइट? इसका मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क शुड बी सेम। अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा है रिस्टोरिंग टॉर्क कम है तो पॉइंटर जीरो से चालू हुआ था लेकिन करंट बंद करने पर जीरो पे गया ही नहीं, पॉजिटिव साइड में अटक गया, वन पे टू पे थ्री पे। अगर उल्टा हुआ, रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा हुआ तो ओवरशूट कर जाएगा, मतलब जब तुम करंट बंद करोगे तो वो नेगेटिव साइड में चला जाएगा, तो उस केस में फिर तुम्हारे पास नेगेटिव एरर या पॉजिटिव एरर आएगा, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव एरर करेक्ट कैसे करते हैं तो ज्ञान ने सीखा, तो फिर वो एरर करेक्शन में चला जाएगा। इसके लिए आइडियली स्पीकिंग, आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली होना चाहिए जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था उतना ही क्या चाहिए? रिस्टोरिंग टॉर्क। दिस इज एन बी आई ए, दिस इज के। हो गया, गुड। तो हो गया, यहां से तुम आई लिख सकते हो या तुम लिख सकते हो, तो थीटा इक्वल टू एन बी ए अपॉन के इनटू आई। तो अब एज यू कैन सी एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। के तो वैसे भी ये कांस्टेंट था ना, कौन सा कांस्टेंट था? टॉर्शनल कांस्टेंट या फिर ट्विस्ट कांस्टेंट। एन कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि तुमने एक बार कॉइल बना लिया, बना लिया, यू कैन नॉट चेंज नंबर ऑफ टर्न्स, राइट? और मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर ही नहीं रहे, और एरिया ऑफ द कॉइल, एक बार तुमने कॉइल बना के उसको हैंड कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो यू कैन नॉट चेंज द एरिया ऑफ द कॉइल ऑल्सो। तो इसका मतलब थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, और इसके लिए तुम करंट मेजर कर सकते हो। तो लॉजिकली सोचो, तुम करंट मेजर कर कैसे रहे थे? यू आर मेजरिंग करंट बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन, मतलब थीटा एंगल, लेकिन एंगल करंट पे डिपेंड तो करना चाहिए ना। नहीं तो हुआ ऐसा कि उधर 10 एम्पीयर का करंट आ गया और तुम्हारा यहाँ पे जो एंगल है वो 100 डिग्री, चलेगा क्या ऐसा? चलेगा? 1 एम्पीयर का करंट आया, एंगल 1 मिला, ठीक है, 2 एम्पीयर का करंट आया, एंगल 4 हो गया, चलेगा ऐसा? नहीं। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्टिंग एंगल शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो हेंस यू हैव शोड, यू हैव प्रूव्ड कि एंगल और आई दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, हेंस एंगल से आप करंट मेजर कर रहे हैं।
इसके लिए तुम पॉइंटर में जो स्केल मार्क कर रहे हो कैलिब्रेट करके, और यू आर मेजरिंग करंट विद द हेल्प ऑफ एंगल। आया समझ में? राइट, टू सिंपल, बहुत ही सिंपल था ये। तो हमारे पास जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, या फिर परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है, बहुत बेसिक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट लाइट इन वेट रेक्टेंगल कॉइल ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन मैग्नेटिक फ्रेम ऑफ एल्यूमिनियम। राइट, दिस कॉइल इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोगोनल वायर, किसमें, इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद द अदर एंड ऑफ द कॉइल, मतलब जो नीचे का एंड है कॉइल का, इट इज अटैच विथ हेलिकल स्प्रिंग अगेन मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज, गुड, विच सर्व्स एज इन एंड आउट फॉर द करंट। व्हेन करंट पासेस थ्रू दिस कॉइल, अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट्स ऑन दिस कॉइल विच इज गिवन बाय एन बी आई ए। एज द कॉइल रोटेट्स द हेलिकल स्प्रिंग इज ट्विस्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो हेलिकल स्प्रिंग एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट होगा, और अगर कॉइल एंटी क्लॉकवाइज है तो हेलिकल स्प्रिंग क्लॉकवाइज है। तो जैसे ही हम करंट बंद करेंगे, और एक्सपेक्टेशन की ये जो पॉइंटर था दैट शुड गो बैक टू इट ओरिजिनल पोजिशन, तो इसका मतलब जैसे करंट बंद करेंगे हम लोग, तो ये जो हेलिकल स्प्रिंग था इट विल प्रोवाइड नेसेसरी रिस्टोरिंग टॉर्क, एंड दैट रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू के थीटा, अगर के इज ट्विस्ट कॉन्स्टेंट और टॉर्शनल कॉन्स्टेंट। आइडियली स्पीकिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क शुड बी सेम। अगर नहीं हुए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा है तो द पॉइंटर विल नेवर कम बैक टू जीरो, इट विल रिमेन इन द पॉजिटिव साइड। अगर उल्टा है, रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा है, तो पॉइंटर विल गो टू द नेगेटिव साइड। राइट, हमको ऐसा चाहिए नहीं, क्योंकि देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट, तो पॉइंटर शुड गो बैक टू जीरो। सो दैट इज व्हाई दीस टू टॉर्क शुड बी सेम। यहां से तुमको मिल गया थीटा इक्वल टू एन बी ए अपॉन के इन टू आर। हो गया, गुड। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ वो आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। क्यों किया बताता हूं मैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इफ यू रिमेम्बर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, याद है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट है वो एज इट इज यहां पे एप्लीकेबल है। तो इफ यू रिमेम्बर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कुछ नहीं करेगी वो लिजर्ड, हाँ डोंट वरी, मैं बोल देता हूँ, कुछ मत करना। गुड, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो था इट इज क्यू इन टू टू एल। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमने डिफाइन क्यों किया था, उसका एक सबसे पहला रीजन था कि अगर मेरे पास दो डायपोल है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू डायपोल्स, ये एक है ये दूसरा है, देखो क्या क्या हो सकता है। मे बी दिस इज मेड अप ऑफ प्लस टू एंड माइनस टू कूलम, दिस इज मेड अप ऑफ प्लस फाइव एंड माइनस फाइव कूलम, हो सकता है डिस्टेंस भी अलग अलग हो सकता है। तो मुझे अगर दो इलेक्ट्रिक डायपोल को कंपेयर करना है तो आई नीड अ पैरामीटर। इसके लिए हमने ये, दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसके लिए ही डिफाइन किया था, बट वन ऑफ द रीजन फॉर डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वॉज टू कंपेयर टू इलेक्ट्रिक डायपोल। हाउ डू यू नो कि दोनों में से, दोनों डायपोल में क्या डिफरेंस है? तो अगर चार्ज की वैल्यू अलग है तो क्यू अलग है, डिस्टेंस अलग है तो टू एल अलग है। इस केस में टू एल की वैल्यू हो सकता है 2 सेंटीमीटर है, वहां पे 10 सेंटीमीटर है। तो अगर हमको दो इलेक्ट्रिक डायपोल को कंपेयर करना है तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिफाइन किया था, वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करेंगे टू कंपेयर टू मैग्नेटिक डायपोल। अभी मैग्नेटिक डायपोल कहां से आ गए, यू शुड नो, बताता हूं मैं। नहीं, मैग्नेट तो एक्सटर्नल था, मैग्नेट का तो बात ही नहीं हो रहा, मैग्नेट तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, हमको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर नहीं करना। तो इमेजिन इमेजिन हमारे पास दो कॉइल्स है, एंड दीज टू कॉइल्स आर सस्पेंडेड इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड,
सिमेट्रिक फील्ड। लेकिन वो जो दो कॉइल है ना, वो दो कॉइल सेम नहीं है। मे बी वन कॉइल इज समथिंग लाइक दिस, वेयर अदर कॉइल इज लिटिल डिफरेंट। ये भी हो सकता है कि एक में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, एक नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो व्हेन यू वांट टू कंपेयर टू कॉइल्स, तो उस केस में तुम करते क्या हो? हम स्टार्ट करते बाय सेइंग कि हम व्हाट डू यू नो, वी नो दैट टॉर्क एक्टिंग इज एन वी ए आई। मैंने सिर्फ एन आई ए वी लिख दी, ये सब पता नहीं फॉर सम रीजन ये सब यूनाइटेड स्टेट की एजेंसीज के नाम आ रहा है, एन बी ए, एन आई, हाँ एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो जो भी है, व्हाटएवर इट इज, और हमारे लिए अच्छा है, याद रखने के लिए अच्छा है। तो अच्छा, फोकस हियर अगेन, डू नॉट डाइवर्ट। तो अगर हमको दो, हमने दो कॉइल ले ली, हमने सेम मैग्नेटिक फील्ड को सस्पेंड कर दिया उसको, यू हैव टू कॉइल, कॉइल वन एंड कॉइल टू सस्पेंडेड इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली इन द सेम वे। तो मुझे दो कॉइल्स को कंपेयर करना है। हाउ डू यू कंपेयर टू कॉइल्स? तो ये जो एन आई ए होता है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू, वेयर म्यू इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड और लूप सेम प्लेन में नहीं हुए तो सिर्फ एक्स्ट्रा क्या लगेगा? थीटा, साइन थीटा, बस। क्लियर? राइट। तो एनी कॉइल कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ अ क्वांटिटी विच इज गिवन बाय म्यू इक्वल टू एन आई ए और इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एनी कॉइल कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल। तो ये जो म्यू है ना, इसका डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द कॉइल, एंड इज गिवन बाय म्यू इक्वल टू एन आई ए, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज करंट, एंड ए इज एरिया। तो तुमको जब मैंने दो डायग्राम ड्रॉ करके बताए थे, तो मैंने बोला था देखो ये कॉइल और वो कॉइल में डिफरेंस क्या है, तो क्लियरली दिख रहा था कि वहां पे एरिया एक का कम था, एक का ज्यादा था। मैंने ये भी बोला था कि हो सकता है कि एक में टर्न ज्यादा है, एक में टर्न कम है। ये भी तो हो सकता था कि करंट एक में कम है, एक में ज्यादा है। तो दो कॉइल में डिफरेंस, देखो ऐसा होता है कि दो कॉइल दिखते सेम है, सेम होते नहीं है। हो सकता है नंबर ऑफ टर्न सेम है, हो सकता है एरिया भी सेम है, लेकिन एक में 5 एम्पियर करंट है, एक में 10 एम्पियर करंट है। हो सकता है दोनों में करंट सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न सेम नहीं है। हो सकता है करंट सेम है, नंबर ऑफ टर्न सेम है, लेकिन एरिया सेम नहीं है। तो दो कॉइल को कंपेयर करने के लिए हमने जो पैरामीटर डिफाइन किया, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इज अलोंग द नॉर्मल, एंड इज गिवन बाय एन इंटू आई इंटू ए। तो हियर ऑनवर्ड्स, इस पॉइंट के आगे हम लोग टॉर्क को एन आई ए बी साइन थीटा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे म्यू बी साइन थीटा। और ये टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एग्जैक्टली सेम है। वहां पे तुम लिखते हो पीई साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वेक्टर फॉर्म याद होगा तो तुम इसको लिखते हो पी बार क्रॉस ई बार। यहाँ पे तुम लिखोगे म्यू बार क्रॉस बी बार, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? अब हम इतनी बात कर ही रहे हैं तो इसके डायमेंशन और इसके एसआई यूनिट भी फाइंड कर लेंगे। तो एसआई यूनिट कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज एन नंबर ऑफ टर्न्स, व्हाट इज करंट एम्पियर, व्हाट इज एरिया मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। और अगर डायमेंशन फाइंड करने हैं आपको, नंबर ऑफ टर्न्स तो नंबर है, करंट और एरिया के डायमेंशन लगेंगे। करंट इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी बट चार्ज इज। वही, करंट फंडामेंटल है, चार्ज नहीं है। तो ये अभी देखो गड़बड़ होती है ना, आई को तुम लिखते हो ए से, ये ए और ये ए अलग है। दिस ए इज फॉर डायमेंशनल यूज, ये ए है एरिया, ए वन एल टू। क्लियर? गुड गुड। अगेन मैंने आपको पहले लेक्चर में इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन करके दिया था क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो जो टर्म आएगा उसका सेम टाइप ऑफ टर्म यहाँ दिखेगा। फिर अगर आपको याद होगा, आपने 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फाइंड किया था व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, 11th या 12th में, शायद 12th में।
So what was the formula for पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन नेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड? मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके सिलेबस में, आपके बुक्स में ओवर सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, माइनस यू बार माइनस पी बार डॉट ई बार, लेकिन एक्चुअली वो माइनस पी बार डॉट ई बार नहीं आता है, वो आता है पीई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, राइट? तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इफ यू हैव एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट डायपोल इज गिवन बाय पीई कॉस ऑफ थीटा इनिशियल माइनस कॉस ऑफ थीटा फाइनल। सिमिलरली इफ यू हैव अ मैग्नेटिक डायपोल, ऑफ डायपोल का मतलब क्या है ये समझिए, ऑलवेज रिमेम्बर, अभी मैंने वो बताया नहीं लेकिन बताऊंगा, वो मैं बात रख रहा था, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेट की बात नहीं हो रही। जब भी एक कॉइल में से करंट पास होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो इट इज लाइक साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल। अगर मेरे पास एक कॉइल है और करंट क्लॉकवाइज है, तो जिस साइड से मैं देख रहा हूँ वो मुझे दिखता है साउथ पोल, और उसी कॉइल को कोई अपोजिट साइड से देख ले ना, उसको दिखता है एंटी क्लॉकवाइज करंट, मतलब नॉर्थ पोल। मतलब कोई भी करंट कैरिंग लूप होगा, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप का हो, चाहे सर्कुलर लूप का, सर्कुलर शेप का हो, मतलब यू मे हैव अ कॉइल लाइक दिस, यू मे हैव अ कॉइल लाइक दिस, यहां से अगर तुम देख रहे हो तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसी को तुम सामने से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये साउथ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल। इसके लिए भी वही है, हमारा कौन सा केस था, रेक्टेंगुलर कॉइल का। तो रेक्टेंगुलर कॉइल में जब करंट होगा तो वो रेक्टेंगुलर कॉइल विल बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि दो पोल हो गए, करेक्ट, राइट? तो जब हम लोग बोल रहे हैं ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर आपने एक बार मैग्नेट को या फिर एक करंट कैरिंग कॉइल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उसमें क्या शुरू हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और फॉर्मूला है एकदम सेम, पी के जगह पे म्यू, ई के जगह पे बी, कॉस ऑफ थीटा 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब एज फार एज योर टेक्स्ट बुक इज कंसर्न एंड ऑल्सो माई नोट्स, आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना ही बोला है, वी हैव सीन दैट इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय पी कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली इफ अ मैग्नेटिक डायपोल इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल इज गिवन बाय म्यू बी कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। हाँ, सिर्फ लिखने के लिए बुक में ऐसा लिखा है, माइनस पी बार डॉट ई बार, और यहाँ लिखा है माइनस यू बार डॉट ई बार, तो आपको इतना ही लिख के दिया है, लेकिन लेकिन हम ये पूरा एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, क्योंकि बीच में एक बार बोर्ड में आ गया था, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू बी कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा फाइनल, नहीं तो फिर माइनस म्यू बार डॉट बी बार, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तुम उधर तो नहीं बोल सकते ना, हमने देखा था, अब देखो, और बोलेंगे ओके तुम भी देख लो, राइट? तो वी विल डिराइव दिस इन द नेक्स्ट सेशन।